इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर में द्वारकापुरी पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान दो युवकों के पास से लाखों रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया गया। उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि वो टोकन देने के बाद में केवल टोकन वाले व्यक्ति को ही मादक पदार्थ उपलब्ध कराया करते थे। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं वे मादक पदार्थ कहां से लेकर आए थे, इसकी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल इंदौर में मादक पदार्थ की तस्करी और इसके सेवन को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा था, जिसके तहत लाखों करोड़ों रुपए के पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त किए और इसी के तहत बीती रात को भी चेकिंग अभियान द्वारकापुरी पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था। तभी दो युवकों को रोककर चेकिंग की गई तो उनके पास से 10 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ाए युवकों के नाम सोहेल और इमरान है, जो कि ग्रीन पार्क के रहने वाले हैं। वहीं बताया जा रहा है कि ये कम मात्रा में मादक पदार्थ को लेकर आते हैं और फिर इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों को टोकन के आधार पर सप्लाई करते थे, जिससे इनकी काफ़ी अच्छी इनकम होती थी। फिलहाल दोनों ही युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में कल दिनांक को रेगुलर चेकिंग जो लगती है, उसी चेकिंग के दौरान में कुछ अज्ञात व्यक्ति थे जो संदिग्ध समझ में आ रहे थे, उनको पुलिस ने घेराबंदी करके चेक वेक किया। जब चेक करने में पाया कि उनके पास में कुछ ऐसी वस्तु है जो कि नशा करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको प्राथमिक रूप से चेक किया गया, जो कि ब्राउन शुगर समझ में आई। इसके बाद में उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में कायमी की गई है और उनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। किस तरह से ये क्या यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए? इनसे अभी पूछताछ लगातार जारी है। इनका ये कहना है कि ये जो ब्राउन शुगर इनके पास से बरामद हुई है, इसको ये लोग टोकन के रूप में बनाकर बेचने का काम करते हैं और बनाकर बेचने वाले थे, परंतु उसके पहले ही चेकिंग के दौरान वो संदिग्ध रूप में पाए गए और पकड़े गए। लगभग 10 ग्राम से ऊपर की ब्राउन शुगर जो है उनके पास से जब्त हुई है, जिसकी मार्केट में 1 से 1.5 लाख के आसपास की कीमत है।